सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रो मोड के बारे में, जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक डीएसएलआर की तरह, जैसे कि हमारे डीएसएलआर में प्रोफेशनल मोड होता है, वैसे ही हमारे स्मार्टफोन में प्रो मोड होता है। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, और हम लेंगे आज बहुत ही कमाल की पिक्चर्स। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रो मोड एक्चुअली में होता क्या है स्मार्टफोन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रो मोड का मतलब होता है प्रोफेशनल मोड। जैसे कि हमारे डीएसएलआर कैमरा में मैनुअल मोड होता है, जो हमारी सेटिंग्स होती हैं आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर, जिसे हम मैनुअली एडजस्ट करते हैं। अब जैसे कि सपोज करें कि जहाँ पे आप शूट करें, पिक्चर को क्लिक करें, वहाँ पे लाइट बहुत कम है या लाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप मैनुअली फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, बोके इफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं प्रो मोड, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे काफ़ी सारा अंधेरा है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारे बंदर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रात के वक्त पिक्चर्स ऐसे क्लिक कर सकते हैं स्मार्टफोन से, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि प्रो मोड से हम कैसे अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रो मोड से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सेटिंग्स का यूज़ करके आप रात को पिक्चर क्लिक कर लें, नहीं होगा, प्रैक्टिकल करके देखना। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रो मोड में। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने प्रो मोड को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास जो भी फ़ोन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है वीवो का Y19, और प्रो मोड की मदद से आप काफ़ी सारी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक कि ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, मैनुअली फोकस एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट बैलेंस आपको मिल जाएगा, EV करके आपको एक्सपोजर, मतलब कि आप अपना एक्सपोजर वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कंपोजिशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना फोकस जस्ट टैप करके उसके ऊपर ऑटो फोकस सेट कर सकते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली अपनी पिक्चर्स को क्लिक करना, तो आपको इसी मोड का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर्स कैसे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रात के वक्त शूट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी रिंग लाइट इसलिए जलाई हुई है कि आपको पता लग जाए कि मेरा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ इस शूट में। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ एक गोरिल्ला ट्राइपॉड का, बिकॉज शटर स्पीड मैं बहुत कम करने वाला हूँ। अगर मैं शटर स्पीड कम करता हूँ और बिना ट्राईपॉड या गोरिल्ला ट्राईपॉड के मेरा कैमरा हाथ में होता है, तो मेरी पिक्चर कभी भी परफेक्ट नहीं आएगी। अगर आप रात के वक्त पिक्चर्स को शूट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। सबसे पहले कि आपने अपना ISO जो है वो बढ़ाना नहीं है, मिनिमम रखना है। मैं कहूँगा कि मैक्सिमम आप 500 तक ले जाएं, मीन्स कि 500 ISO आप लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो पिक्चर्स में ग्रेन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने अपनी शटर स्पीड के साथ खेलना है, बिकॉज अगर आप अपना ISO ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स कि आप सोच रहे हैं कि मेरा फ़ोन जो है काफ़ी सारा ISO सपोर्ट करता है, उसकी वैल्यू काफ़ी हाई तक जाती है, तो अगर मैं ISO इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरी पिक्चर्स और ब्राइट अच्छी आएंगी, तो ऐसा नहीं है। ISO अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पिक्चर्स के अंदर ग्रेन आ जाएगा, जो कि एडिटिंग में भी काफ़ी ख़राब लगता है। उसके बाद आपने जब भी रात के वक्त फोटोग्राफी को करना है, तो आपने अपनी शटर स्पीड के साथ खेलना है। लाइक कि आप अपनी शटर स्पीड को कम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने अपनी शटर स्पीड को 4 सेकंड रखा हुआ है, बिकॉज मैं यहाँ पे मैं एक फेरी लाइट को कुछ इस तरीके से राउंड करके घुमाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे कमाल का एक सर्कल देखने को मिलेगा और काफ़ी ड्रीमी सी एक फोटोग्राफ हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरी शटर स्पीड है वो है 4 सेकंड पे, ठीक है, ISO मेरा 500 पे है, और जो मेरा फोकस है जो मैंने सेट किया हुआ है वो है ऑटोमेटिक फोकस, बिकॉज यहाँ पे मैं सेल्फ टाइमर का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सेल्फ टाइमर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा कैमरा है वो लगा हुआ है गोरिल्ला ट्राइपॉड के ऊपर, लाइक कि यहाँ पे मैं बिल्कुल स्लो शटर स्पीड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं हैंडहेल्ड अपने कैमरे को पकड़ता हूँ, तो जस्ट अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा भी हिला, तो वहाँ पे मेरे पिक्चर के अंदर ब्लर आ जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी मेरी पिक्चर सारी की सारी। तो जैसा कि इस शूट में यूज़ करूँगा मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड का और एक ट्राइपॉड का। सबसे पहले आपको सेटिंग स्क्रीन पे शो हो रही है, ISO मेरा होगा 500 पे, शटर स्पीड मेरी होगी 4 सेकंड पे, और जो मेरा फोकस होगा वो होगा ऑटोमेटिक फोकस, बिकॉज मैं सेल्फ शूट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की फोटोग्राफ ले रहा होता तो मैं मैनुअली एडजस्ट कर सकता था, पर यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूस ऑटो फोकस का, मीन्स की ऑटो फोकस का। उसके बाद जो मेरा वाइट बैलेंस होगा वो होगा ऑटो पे, और जो मेरी एक्सपोजर वैल्यू EV वो 0 पे ही है, और मैं कुछ भी एडजस्ट नहीं कर रहा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपनी जो फेरी लाइट है उसको घुमा रहा हूँ, जस्ट मैंने अपना सेल्फ टाइमर ऑन करना है। तो चलिए मैं सेल्फ टाइमर ऑन करके आपको पिक्चर्स क्लिक करके बताता हूँ।
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप स्मार्टफोन के अंदर प्रो मोड को कैसे यूज कर सकते हो, जस्ट आपने अपने कैमरा सेटिंग्स को जैसे मैंने बताया वैसे यूज करना और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।